न्यूज़पेपर। पहला जो आर्टिकल है वो है, गवर्नर होल्ड्स नो बोट पावर अवर बिल्स, सॉरी नो बिट्टो पावर अवर बिल्स से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि गवर्नर के पास जो है कोई भी बिट्टो पावर नहीं है। इसके लगे जो बिल्स आते हैं, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इशू चलता है कि जिन जगहों पे जो सेंटर में गवर्नमेंट है उनकी पार्टीज नहीं रहती है, तो गवर्नर तो उन्हीं का आदमी रहता है स्टेट्स में, तो वो क्या करता है, बिल्स जो होते हैं उनको एक्सेंड नहीं देता है, मतलब क्या है, मंजूरी नहीं देता है, क्योंकि उनको होल्ड करके रखता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इतने टाइम के अंदर आपको बिल को जो है वो एक्सेंड देना है। एक दिन पहले भी मैंने ये आर्टिकल आपको पढ़ाया था, तो उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी बिट्टो जो है गवर्नर के पास नहीं है। ये केस क्या हुआ, जो बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, कि अगर गवर्नर जो है विदहोल्ड करता है, मतलब एक्सेंट देने से मना करता है, तो उसे जो है रिटर्न करना होगा बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास जल्दी से जल्दी, और अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो दोबारा उस बिल को पास करती है तो गवर्नर को जो है उसको एक्सेंट देना पड़ेगा, उसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें कही हैं कि जो अल्टीमेट डिसीजन है ना वो किसके पास रहती है पावर, गवर्नर के पास रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग चलेंगे। टनल रेस्क्यू डिलेड एज ड्रिल मशीन हिट्स हर्डल। तो उत्तरकाशी के अंदर डेली ये न्यूज़ आती है, अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। डेली मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो लोग फंसे हुए थे टनल के अंदर उनका अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्य ताइबा कमांडर एकॉम्प्लाइज किल्ड इन J&K एनकाउंटर। आपको कल परसों मैंने न्यूज़ बताई थी कि दो कैप्टन और दो आर्मी के जवान जो है लेटेस्ट जो है वो शहीद हुए हैं। तो जो जो लक्ष्य ताइबा के जो कमांडर थे उनके साथ जो है उनके जो एकॉम्प्लाइज थे, साथी थे, उनको मारा गया। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर अंदर में गन फाइट हुई, कहाँ के अंदर, रजौरी में हुई, और वहाँ पर ये इनकाउंटर जो है वो सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। WHO asked China for more information on rise in illness pneumonia clusters। निमोनिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है चाइना के अंदर में। ठीक है, ये होता किसके कारण है, बैक्टीरिया और वायरस जो रहता है ना, जो किसी के छींकने के कारण, तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये ईयर में प्रेजेंट रहते हैं, आपके अंदर में चले जाते हैं, इससे क्या होता है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, आपको स्वेलिंग टाइप सूजन टाइप हो जाएगी, तो ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकती है आपको अगर ये बिगड़ जाए तो। चाइना के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो WHO ने चाइना को पूछा है कि जो ये केसेस बढ़ रहे हैं इनके बारे में जो है हमें इन्फॉर्मेशन दो ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग वही करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये सब जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है, किसने किसके खिलाफ क्या स्टेटमेंट दी, तो ये तेलंगाना की न्यूज़ है, वहाँ पे भी इलेक्शन चल रही है। नेक्स्ट जो है, हाँ नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपको ये पढ़ाता हूँ कि ए 5 trillion इकनॉमी व्हाट फॉर होम। इंडिया का जो सपना है 5 trillion इकनॉमी का, ये एडिटोरियल उसके ऊपर है। इस मतलब ये किसके लिए है, क्या इससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि जापान में क्या कंडीशन है, बाकी कंट्रीज़ में क्या कंडीशन है जो कि बड़ी बड़ी इकनॉमीज़ हैं, तो उसके उसको भी हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो एक्सटेंड की जो प्रधानमंत्री कल्याण गरीब कल्याण योजना थी, जिसके तहत जो है ना 5 kilo के जो फूड ग्रेन्स हैं, आपको भी आपके आस पड़ोस में आप देखते होंगे जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको 5 kilo जो है फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं हर मंथ नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के अंदर में, तो ये दिए जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको एक्सटेंड किया छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि हमारे जो सिटीजन्स हैं ना, मतलब मोदी ने ये कहा कि मैं उनको हंगरी नहीं देख सकता, भूखा नहीं सह सकता, तो इसका मतलब ये है कि लगभग 80 crore जो इंडियन है ना वो फ्री फूड ग्रेन्स जो है वो रिसीव कर रहे हैं, और 2028 तक ऐसा ही चलता रहेगा। दिस इज़ दी ईयर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट इंडिया टू बिकम। इसी ईयर में इंडिया जो है 3rd largest इकनॉमी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया बनेगा, और इंडिया का जो GDP है वो 5 trillion बन जाएगा। तो क्या ये जो GDP है ये हमारी भूखों को मिटा सकेगा, ठीक है, तो इसको क्या इसके बेनिफिट क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। अपन लोग थोड़ा सा जापान के साथ कंपेरिजन करते हैं, तो जापान जो है ना ये 3rd largest इकनॉमी है इस टाइम वर्ल्ड में, और जापान में जो है ना हर सुसाइड जो है हर 20 minutes में सुसाइड होता है, और लगभग जो 15 lakh जापानीज़ है ना वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ बात नहीं करते हैं, ठीक है, और उन्होंने जो है ना स्पेशल लोग रखे हुए हैं जो उनको मम्मी बोलें पापा बोलें, क्योंकि उनके घर में उनके बच्चे आते ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वहाँ पर लोनलीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है,
जो जापान है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो पहुंच गया है, लेकिन हालत जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है। लोगों की अगर हम लोग बात करें तो 40 साल तक जो जापान था वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था, लेकिन 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए उसके बाद टेक ओवर कर लिया उनको चाइना ने। चाइना जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया जीडीपी वाइज। तो यही जो है, लेकिन जापान की जो पॉलिसीज थी वो अच्छी थी। जैसे ही वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना सेकंड से 2008 के बाद, उसके बाद उसने हुकअप कर लिया, मतलब एक ट्रेड बढ़ा लिया चाइना के साथ, उसने ईगो फ्री पॉलिसीज जो है वो रखी। उसके बाद दोबारा से जो है वो पिछले 14 साल से जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी है। तो इंडिया में क्या हो सकता है? इंडिया में तो 5 ट्रिलियन इकनॉमी बढ़ना चाहती है इंडिया, लेकिन क्या बन पाएगी? क्योंकि इंडिया जो है फ्री में बहुत कुछ बांट रही है लोगों को हंगर दूर करने के लिए। उसके बाद जो है ना, जो अमीर तबके के जो लोग हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लगभग 40% जो नेशन की वेल्थ है ना वो सिर्फ 1% लोगों के साथ में है, और 50% जो है वो 3% के, मतलब गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा गरीब तबका ही जो है वो टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें जो है ना अच्छी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को जो है ना, अगर उनको सच में 5 ट्रिलियन इकनॉमी तक जाना है तो मेक इन इंडिया ये जो प्रोग्राम्स हैं और जो फ्री बीज हैं इनको भी थोड़ा सा जो है वो होल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम भी जो है वो बहुत कम है। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए इंडिया को जो है वो एक नई पॉलिसीज़ की जो है वो ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कॉप इंडिया में इंडिया की इक्विटी डिमांड क्या है? ठीक है, मतलब अभी आपको पता है जो यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट प्रोग्राम होता है COP28, उसकी मीटिंग जो होने वाली है, तो इंडिया का उसमें क्या शेयर रहेगा, इंडिया को क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। तो जो यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसने ये बताया था ना कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना वो कम अमीशन जो है वो मतलब कार्बन को एमिट करती हैं, हालांकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा करती हैं। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में हमने बोला था कि हम लोग टेम्परेचर को जो है 2015 में जो हुआ था 2 डिग्री सेल्सियस से कम में लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई थी, लेकिन अभी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो ज़्यादा इसमें मतलब कार्बन एमिशन करती हैं। और जो ग्लोबल इंडिया, मतलब इंडिया के पास कितना बजट है, इंडिया कितना एमिट कर सकता है, इंडिया को जो है कम एमिट करना है, लेकिन इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो इंडिया को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के काम चल रहे हैं, तो इंडिया को ज़्यादा कार्बन एमिशन की ज़रूरत है। हालांकि अगर वर्ल्ड के बजट के हिसाब से देखें तो इंडिया के लिए मुश्किल होगा। इसी थोड़ी सी समरी बताता हूँ। तो जो FCC का, यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट प्रोग्राम है, और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसने ये बोला था कि एक्नॉलेज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमंग नेशंस, मतलब हर एक कंट्री की जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो IPCC की AR6 की जो हाई रिपोर्ट थी, उसने ये बोला था कि डेवलप कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है कार्बन मिशन के लिए, हालांकि इंडिया का जो लोअर पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट है, लेकिन इंडिया को जो है ना और चैलेंजेस फेल करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा कार्बन एमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया को जो है अभी डेवलप्ड होना है। तो इंडिया का यही रोल है। उसके बाद हम लोग डीप फेक के ऊपर बात करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है ना डीप फेक की, ये काम करती है डीप लर्निंग के ऊपर। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक्ट्रेस की भी आपको देखा होगा, एक कटरीना कैफ की और जो रश्मिका शायद मंदाना है, उनकी जो है वीडियो वायरल हुआ था। तो किस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला के, ठीक है, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि अगर आपकी कोई डीप फेक आपको मिलती है तो आप सोशल मीडिया पे अगर कंप्लेंट करोगे तो उसके बाद जो है हम लोग विद इन 36 आवर्स जो है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा वो उसको डिलीट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। उसके बाद जो इंटेल ने, और भी चीज़ें हो रही हैं, इंटेल का एक प्रोसेसर है, ठीक है, वो भी डिटेक्ट करता है इन सारी चीज़ों को। उसके बाद जो C2PA है, मतलब कोरिलेशन फॉर कंटेंट प्रोविनेंस एंड ऑथेंटिसिटी, ये भी पहचानता है कि कौन सी डीप फेक है और कौन सी नहीं है। तो धीरे धीरे जो है हम लोग इसकी ओर काम कर रहे हैं, तो और हमें जो है और ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये डीप लर्निंग के ऊपर काम करती है। तो मणिपुर में अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सब पॉलिटिकल न्यूज़ है जो है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है MGNREGA के ऊपर है। MGNREGA का जो ऑडिट है ना, मतलब जो चेकिंग होती है कि किस तरह से ये स्कीम काम कर रही है, ये 50% लोकल बॉडीज़ में 6 स्टेट्स में इनका ऑडिट हो चुका है, चेक चल रहा है। तो यही जो